Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. हुकूमत तरफ़ां मुबैना आलमी साजिश की जांच लाए कमीशन जोड़न ए खत सुभाणे असेंबली मेंबर्स अगियां पेश करण जो ऐलान। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान कमीशन जो सरबराह मुकर्र। सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ़ नज़रसानी अपील जो भी फैसलो। वफाकी काबीना के इजलास बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी चवा है कमीशन 90 ॾींहनि में जायज़ो वठंदी त साजिश किथे सठी वही उन जा मकामी सहूलतकार कहिड़ा आहिनि। खत सुभाणे असेंबली मेंबर्स के ॾेखारियो वेंदो। अदालती फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पेजी वही। पार्लियामेंट की हाकमियत कोर्ट डां मुंतकिल थी वही है। अदालत दस्तावेज दिसन बिना किए चयो त स्पीकर पंजो दिमाग इस्तेमाल कयो। सुप्रीम कोर्ट हैरान कंदर फैसलो दिनो है। इलेक्शन कमीशन के गैर जिम्मेवाराने बयान की मजम्मत क्यों था। चूंडू 90 ढीन में करायू वन हुकूमत सहकार लाए तैयार है। पीटीआई तरफा अवामी राबता मुहिम तेज करण जिले सतह से जलसन जो फैसलो। वजीर आजम इमरान खान अज रात 9 बजे कौम के खिताब कंदो। वजीर आजम इमरान खान सियासी कमेटी के इजलास में चवा है चूंडियल हुकूमत ड्राइण लाए परडेही साजिश कई वही। परडेही साजिश में ओपोजिशन के औजार बणजन के वाखो किया अथऊँ। अवाम ऐसी वरतो तो सब चोरी लुटेरा गरजी वन। असा अवाम में सुरखरू थे ओपोजिशन अवाम वट वन का डिजी रही है। असा हर जाए ते माफिया जो मुकाबलो कंदासीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका तमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के कलदम करार दई छड्यो। ऑर्डिनेंस खिलाफ दरख्वास्तुनि ते महफूज कयल फैसलो जारी। अदालत कानून वजारत के नवा ऑफिसर्स मुकर्रर करण खां भी रोके छड्यो। अदालत पंहिंजे फैसले में चयो आहे त पीका ऑर्डिनेंस थींदड़ समूरियूं कार्रवाइयूं कलदम आहिनि। ऑर्डिनेंस सबब मुतासिर थियल माण्हू लागापियल फॉरम सां राब्तो करे सघनि था। PFUJ ऐं PBA सूधो सहाफ़ती तनज़ीमनि पेका ऑर्डिनेंस खे अदालत में चैलेंज कयो हो। वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ ते क़ौमी असेंबली जो इजलास सुभाणे 10:30 तलब। असेंबली सेक्रेटरीट इजलास जे 6 नुकाती एजेंडा जारी करे छॾी। एजेंडा में बेतमादी रिथ 4 नंबर ते शामिल। सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के गैर आइनी करार दींदे सुभाणे इजलास में रिथ ते वोटिंग कराने जो हुक्म दिनो हो। हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया। तमाम ताकतें इस केस में एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। मुझे पता था कि मसले क्या है। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूँ कि हमें यक जबान होके मुस्ताफी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं। ये वो गैर साम्राज्य सुंडियां हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। इसके खिलाफ एक ही हल है। तमाम पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि कौम को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है और किसने किया है, कौम को सब कुछ समझ आए। हथियार फिटा न कंदासीं। अॼु बि चवां थो त गॾियल तौर इस्तीफ़ा ॾेई ॿाहिरि निकिरणु घुरिजे। क़ौम खे ॿुधाइणु घुरिजे त मुख़ालिफ़नि जो असुल चहिरो कहिड़ो आहे। वफ़ाकी घर वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त गैर साम्राजी सुंडियूं मुल्क जे आज़ादु परॾेही पॉलिसी खे खाई वेंदियूं। हिन केस में सभु किरदार ऐं क़ुवतूं वाक़ियूं थी वियूं आहिनि। चोरनि सां गॾिजी मुल्क नथो हलाए सघिजे। अदालती फ़ैसिले सां क़ौम में मायूसी जी लहर आहे। बेतमादी रिथ पाकिस्तान जा मसला हल करण में अहम विख साबित थींदी। मुल्क हिन वक़्तु गॾियल सोच ऐं इतफ़ाक़ राय जी ज़रूरत आहे। ऑपोज़िशन लीडर शहबाज़ शरीफ चयो आहे त क़यादत जो इम्तिहान ई ॾुखियनि हालतुनि में शुरू थींदो आहे। असां सभु मुतहिद थी मसलनि जे तूफ़ाननि जो ज़ोर टोड़ींदासीं। पाकिस्तान जे वक़ार खे बि क़ौमी मफ़ादनि जी बुनियादनि ते बहाल करणो आहे। इलेक्शन कमीशन डिजिटल बदिरां 2017 में थियल आदमशुमारी तहत क़ौमी ऐं सूबाई तकनि जूं तकबंदियूं शुरू करे छॾियूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी सदारत में इजलास दौरान 4 महीननि में तकबंदियूं मुकमल करण जी हिदायत। इजलास बाद जारी थियल पधराई में चयो वियो आहे त डिजिटल आदमशुमारी अञा मुकमल नाहे थी सघी। सूबाई हुकूमतुनि खां फौरी नक्शा ऐं डेटा घुराई वेंदी। कमीशन जमहूरी तसलसल शफ़ाफ़ियत
कानून की हुकमदानी लाए आइनी किरदार जारी रखंदी। वफाक सूबाई हुकूमतों कमीशन से मुकम्मल सहकार जो पाबंद हैं पर मुख्तलिफ़ जवाब छाए कमीशन की आइनी जिम्मेवार अगैं रंडक विधी पी वे। पंजाब में वक्त से बल्दियाती चूंडू यकीनी बनाने जो भी फैसलो। पंजाब असेंबली में वड़ी वजारत की चूंड ला दाखिल दरख्वास्त से धुरन के नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट सेक्रेटरी असेंबली के भी जाती तौर तलब कर वरतो। दरख्वास्त इब्तदाई बुधनी दौरान चीफ जस्टिस असेंबली जो रिकॉर्ड सूमर तीन अदालत में पेश किया वे। केस के बुधनी कानून पुटांदड़ हलंदी नवाजदीग उम्मीदवार हमजा शहबाज वड़े वजीर की चूंड कराने लाए दरख्वास्त दाखिल कई हुई। खातून अव्वल बुशरा बीबी जी दोस्त फराह खान जो करप्शन के इल्जाम से रद्दअमल अची पो। फराह खान पान से लगायल इल्जाम के रद्द करने है तो सियासत से को भी वास्तो ना है कदें भी कें सरकारी व्यवहार में मुदाखलत न कई अथम। मुझे किरदार से गंद उछलींदड़न जो भी धीरू और भेनियों हैं मुझो खानदान कूड़न इल्जाम सबब परेशान है कूड़ा अफवाह पखेड़न बंद क्या वन। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स शहीद नाजिम जोखियो कत्ल केस में धुर बणजन लाइ सिंध हाईकोर्ट से राबतों कर वरतो। दरख्वास्त में मौकफ़ इख्तियार है तो नाजिम जोखियो के कत्ल में ताकतवर मू मुलविस वाके से मुआशरे में खौफ पखिड़ी वो हो। नाजिम जोखियो के कत्ल केस के जवाबदार जाम अब्दुल करीम जो वास्तव पीपल्स पार्टी से है। जाम करीम रुपोशी बाद देह वापस आयो तो सिंध हाईकोर्ट वो जिते एजी सिंध तरफा संदस अजरकन से आजियाँ कई पी। 3 मार्च से नाजिम की बेवा तरफा जवाबदारों के माफ़ करण वो वीडियो बयान मीडिया से हलो। रियासत श्रीनी जोखियो के तहफ़ दियण में नाकाम थी वही है। कमीशन तरफा केस में धुर बणजन की इजाजत दियण की इस्तदा। झुडो में धीर से ज्याती की कोशिश कदड़ पीर के 5 साल चीफ मीरपुर खास के अदालत जवाबदार असगर जट के 1 लख रुपया दंड की भी सजा बुधा छी। अदालत हुक्म दिनों है तो जवाबदार सजा पूरी थे बाद न्याणी की तालीम रहायश शादी जो समूरों खर्च अदा कह। जवाबदार असगर जट 14 वरन की धीर से ज्याती की कोशिश कई हुई। निंगरन के मामिन की फरियाद से केस दाखिल थे बाद पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार कर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गड आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस अवन रेटियूं इन बुलेटिन में फिलहाल एतरो ही। इते वठूं था शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पोए अवां प्रोग्राम ॾिसी सघंदा व्यूज़ टाइम। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।